हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये खिचड़ी की स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको खिचड़ी नहीं भी पसंद है तो भी आप इसे जरूर ट्राई करें। ये इसमें बहुत सारी दालों को मिलाकर हमने इसको बनाया है। तो ये खिचड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले चावल लिए हैं एक बाउल, और इनको धोकर भिगो देंगे। तो ये चावल हमने भिगो दिए हैं। दालों में ले रहे हैं सबसे पहले एक चम्मच अरहर की दाल, एक चम्मच चने की दाल, एक चम्मच मूंग की छिलके वाली दाल, एक चम्मच उड़द की छिलके वाली दाल, एक चम्मच मसूर की दाल, एक चम्मच धुली मूंग की दाल, एक चम्मच धुली उड़द की दाल और एक चम्मच मलका की दाल। ये सब दालें करीब आधा कटोरी हमने ले ली हैं, और जो दाल आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो लें, और कोई दाल इसमें आप छोड़ भी सकते हैं या किसी दाल को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब इन भीगे हुए चावलों में इन दालों को भी धोकर मिक्स कर देंगे। तो ये दालें धो ली हैं हमने अच्छे से, और इनको अब चावल में ही मिक्स कर देंगे। चावल को तो आप कितनी भी ज्यादा देर तक भिगो सकते हैं, लेकिन दाल डालने के बाद इसको ज्यादा देर तक ना भिगोएं, जिससे दालों के छिलके अलग ना हो। दाल डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक भिगोएं, और तब तक हम खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, और 2 बड़ी कली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, इन्हें एक साथ काट लेंगे। तो ये सब चीजों को हमने बारीक काट लिया है। और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे भी बारीक काट लेंगे। तो ये टमाटर को भी काट लिया है, और अब आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक कुकर को गैस पर रख लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसको अच्छे से गर्म करेंगे। पहले तेल अच्छा गर्म हो गया है, इसमें 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच जीरा, इसको अच्छे से भुनने दें, जिससे जीरे का इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद जो प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक काट कर रखा था वो इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुका है, और इसमें अब टमाटर डाल रहे हैं, और इसी के साथ थोड़ा नमक डाला है। स्वाद के हिसाब से आप नमक इसमें डालें, और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे प्याज के साथ ही। टमाटर भी अच्छे से भून चुका है, और अब इसमें 1 टेबल स्पून मटर के दाने डाले हैं। ये हरी मटर के दाने हैं, और चाहे तो आप फ्रोजन का यूज कर सकते हैं, फ्रोजन मटर, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और मटर के साथ ही इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है, फ्लेवर के लिए डाला है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये मटर भी अच्छे से भुन चुकी है, और अब इसमें हमने जो खिचड़ी भिगो कर रखी थी, सोख की थी, उसको डाल देते हैं। ये भीगे हुए दाल चावल और उनका पानी भी हमने इसमें डाल दिया है, और अब इसमें 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। पानी चावल से करीब 1 से 1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए। तो ये पानी डाल दिया है इसमें, और गैस को तेज किया है, और इसका ढक्कन अब बंद कर देते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें 1 बार उबाल आने देंगे पहले। तो ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, और इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसका लिड लगा देंगे, और 1 सीटी आने का वेट करते हैं पहले। 1 सीटी आने के बाद इसको सिम करके और 2 से 3 मिनट और पकाना है, और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। और खिचड़ी को सर्व करने के लिए उसकी गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो 1 बड़ा चम्मच घी डाला है, छोटे से एक पैन में डाला है हमने। घी गर्म हो गया है, और इसमें मीडियम साइज के प्याज को लंबा काट लिया है, और इसको ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करेंगे, और फिर इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे पहले। प्याज को हल्की आंच पर भूनना है, और बिल्कुल जलना नहीं चाहिए प्याज। तो ये प्याज का कलर ब्राउन आ चुका है, और गैस को बंद कर दे रहे हैं, और इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे। और ये गरम प्याज में ही 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं, जिससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा, और इसे भी इसमें मिक्स कर दिया है। और अब खिचड़ी का प्रेशर भी पूरी तरह निकल चुका है, इसको खोलकर देख लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया कलरफुल खिचड़ी बनकर तैयार हुई है, और इसको अब सर्व कर लेते हैं। और खिचड़ी को सर्व करने के लिए इसके ऊपर से भुनी हुई प्याज डालेंगे।
अगर आपने इससे पहले इस तरह से खिचड़ी नहीं बनाई है तो आप एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत टेस्टी है, स्पेशल खिचड़ी है और सभी दालों के न्यूट्रिएंट्स भी हमें इसमें मिलते हैं। पूरा मील की तरह आप इसको खा सकते हैं। इस खिचड़ी को हमने ये प्याज का रायता और साथ ही मिर्च के अचार के साथ सर्व किया है। आप इसमें चटनी, मूली, गाजर, किसी भी सलाद के साथ इसको, सैलेड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।